फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा नेटर। फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का पैटर्न लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल क्रोशिया के जैसा पैटर्न बनता है, इसे हम सिलाई से बनाते हैं, बट ये पैटर्न बिल्कुल क्रोशिया की तरह बनकर आता है। और इसे मैंने, देखिए, ये मेरी वूल थोड़ी पतली है तो मैंने यहाँ पर वूल के अकॉर्डिंग अपनी सिलाई को लगाया हुआ है। बट आप जैसे कि जितने नंबर की आपको सिलाई वूल पर लगानी है, उससे थोड़ी मोटी सिलाई यूज करें। अगर आपने वूल पर 10 नंबर की सिलाई यूज करनी है तो वहाँ पर आप 9 नंबर की यूज करें। जैसे मैंने 10 नंबर की ही यूज की है, लेकिन यहाँ पर मुझे इस वूल के अकॉर्डिंग 9 नंबर की सिलाई यूज करनी थी। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 2 के मल्टीपल से फंदे लेने होते हैं और हमारी डिज़ाइन 2 सिलाइयों में 2 रोज में बनकर कंप्लीट हो जाती है। इस डिज़ाइन को हम लेडीज़ कार्डिगन, लेडीज़ कोटी, जैकेट, बच्चों के फ्रॉक में, कैप में बना सकते हैं। देखिए, राइट साइड से ऐसे दिखती है और रॉन्ग साइड से डिज़ाइन ऐसे दिखती है। तो फ्रेंड्स, हम बनाएंगे फर्स्ट रॉ रॉन्ग साइड से, पहला फंदा स्लिप करेंगे इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। अब हम 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। देखिए, 2 फंदों का 1 फंदा किया। अब हमने यहाँ पर 2 फंदों का 9 फंदा करना है। देखिए, 1 फंदा हो गया, सिलाई पर धागा लपेटेंगे 2 और फिर से बुन लेंगे। देखिए इस तरह से 3, वापस से सिलाई पर धागा लपेटेंगे 4, एक बार फिर से बुनेंगे इस तरह से 5, वापस से सिलाई पर धागा लपेटेंगे 6, एक बार फिर से बुन लेंगे 7, सिलाई पर धागा लपेटेंगे 8, एक बार फिर से बुनेंगे। यहाँ पर देखिए, तो हमारा ये 9 फंदा हो जाएगा इस तरह से। अब ये 2 फंदे सिलाई से उतार देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टिच छोड़ के हमने यही 2 फंदे रिपीट करते जाना है। हम 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए 2 फंदों का 9 फंदा करेंगे। यहाँ पर फिर से देखिए, 2 फंदों में सिलाई डालेंगे और 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। देखिए, 2 फंदों का 1 फंदा किया, सिलाई पर धागा लपेटेंगे 2 और फिर से बुनेंगे। देखिए इस तरह से 3 हो गए, सिलाई पर धागा लपेटेंगे 4 और एक बार फिर से बुनेंगे 5 इस तरह से, सिलाई पर धागा लपेटेंगे 6 और एक बार फिर से बुनेंगे 7 इस तरह से, सिलाई पर धागा लपेटेंगे 8 और एक बार फिर से बुन लेंगे यहाँ पर 9। तो हमने यही रिपीट करते जाना है बार बार बार। यहाँ पर हम 2 फंदों का 9 फंदा बनाएंगे। 1, सिलाई पर धागा लपेटेंगे 2, फिर से बुनेंगे 3 इस तरह से, वापस सिलाई पर धागा लपेटेंगे 4 और फिर से बुन लेंगे 5, सिलाई पर धागा लपेटेंगे देखिए इस तरह से 6, फिर से बुनेंगे 7, सिलाई पर धागा लपेटेंगे 8 और वापस से बुनेंगे 9 इस तरह से। फिर से देखिए, 2 फंदों का 9 फंदा बनाएंगे उल्टी तरफ से, उल्टा बुनते हुए 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। फिर से 2 फंदों का 1 यहाँ पर 9 फंदा करेंगे, 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इसी तरह से हमने बार बार रिपीट करते हुए अपनी इस फर्स्ट रॉ को रॉन्ग साइड से कंप्लीट करना है। देखिए, 3, 5 छः, 7, 8 और 9। अभी 2 फंदे सिलाई उतार देंगे इस तरह से और लास्ट में 1 फंदा बचेगा। रॉन्ग साइड से स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट रॉ रॉन्ग साइड से कंप्लीट हुई। अब हम बनाएंगे सेकेंड रॉ दूसरी सिलाई राइट साइड से। देखिए, पहला फंदा स्लिप करेंगे। अब हमारा यहाँ पर रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। अब देखिए, अब हमने 9 फंदों का वापस से 2 फंदा करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। स्टार्टिंग में आपने 1, 2, 3,
चार पाँच। स्टार्टिंग में आपने पांच फंदों को एक साथ सीधा बुनना है इस तरह से, ये देखिए। अब इसके बाद हम यहाँ पर चार फंदों को एक साथ सीधा बुनेंगे, ये देखिए। तो ये वापस से हमारा नौ फंदों का यहाँ पर दो फंदा हो गया। तो हमारे दो फंदे थे, वापस से दो फंदे हमारे पास आ गए। और देखिए ये इस तरह से बना हुआ है पैटर्न, ये बिल्कुल क्रोशिया के जैसा बनता है लेकिन हमने इसे सिलाई से बनाया है। देखिए फिर से यहाँ पर पांच फंदों का एक फंदा करेंगे, देखिए तीन चार पाँच। अब यहाँ पे चार फंदों का एक फंदा करेंगे ऐसे। तो इसी तरह से हमने इस सेकंड रो को राइट साइड से कंप्लीट करना है। पांच फंदों का एक फंदा करेंगे और फिर उसके बाद हम चार फंदों का यहाँ पर एक फंदा करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। देखिए ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से बन रहा है। तीन चार पाँच। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। लास्ट में एस्टिच का फंदा है, इस एस्टिच के फंदे को हम राइट साइड से सीधा बना लेंगे, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो फ्रेंड्स हमारी ये सेकेंड रॉ कम्प्लीट हुई और इसी के साथ हमारा पैटर्न और हो जाता है। फ्रेंड्स हम जब इन्हीं दो सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे तो हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से बन करके आएगा, देखिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।